तो हेलो भाई, मैं हूं विक्रम और आपका स्वागत है मेरी इस वीडियो में। तो भाई आज हम बात करेंगे फोर्ड एंडेवर की। आप देख सकते हो वाइट कलर में टॉप मॉडल है और भाई ये ना फॉर्च्यूनर की सबसे बड़ी राइवल है। मतलब अगर किसी का बजट 40 लाख तक है और वो फुल साइज एसयूवी लेना चाहता है तो भाई इस गाड़ी को ज़रूर कंसिडर करता है ये भाई। फुल मस्कुलर लुक है इसके, मतलब लुक्स तो इंडिविजुअल पर डिपेंड करते हैं। किसी को फॉर्च्यूनर अच्छी लगती है, किसी को भाई एंडेवर अच्छी लगती है। पर भाई अगर लॉजिकली देखा जाए ना तो ये फॉर्च्यूनर से सस्ती आती है और उससे ज़्यादा फीचर्स ऑफर करती है। तो आज इस वीडियो में देखेंगे कि क्या क्या फीचर्स ऑफर करती है और डिटेल रिव्यू करेंगे इसका फोर्ड एंडेवर का। तो वे लुक्स से आप देख सकते हो, फ्रंट लुक से ना काफ़ी मस्कुलर लुक आ रहे हैं। तो फ्रंट में बड़ी सी ग्रिल मिल जाती है यहाँ पे फोर्ड का लोगो, और ये क्रोम ग्रिल है। और जो इसका स्पोर्ट्स वेरिएंट आता है ना उसमें ये ऑल ब्लैक ग्रिल आती है, मतलब पूरी ब्लैक होती है, वो काफ़ी बढ़िया लगती है, इससे बढ़िया लगती है मतलब। और फ्रंट में यहाँ पे LED प्रोजेक्टर सेटअप मिल जाता है, ये DRL है। और पहले ना ये DRL इंडिकेटर में चेंज हो जाता था, पर यहाँ पे अब इंडिकेटर अलग से देने लग गए। नीचे ये थोड़ी सिल्वर फिनिश में दे रखा है, बढ़िया लग रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाते हैं इसमें, मतलब फीचर लोडेड गाड़ी है ये। और की बात करें ना तो की ऐसी मिल जाती है इसमें, और यहाँ पे लॉक, ये लॉक अनलॉक और ये बूट ओपनिंग के लिए दे रखा है। और साइड लुक से देखो आप, साइड लुक से काफ़ी यूज सी लगती गाड़ी, देखो कितनी यूज है। और ये ORVMs ना काफ़ी बड़े ORVMs इसके, एक मिनट अभी देखो, ये देखो कितने वो बड़े ORVMs है। और यहाँ पे ना पूरा क्रोम का यूज़ कर रखा है यहाँ पे इंडिकेटर, और जो स्पोर्ट्स वेरियंट आता है ना उसमें पूरा ब्लैक आता ही है मिरर, उसमें कहीं भी क्रोम और ये सिल्वर फिनिश का कहीं भी यूज़ नहीं करते हो, पूरी ब्लैक आता है। जहाँ भी ये सिल्वर और ये क्रोम होता है वहाँ पे सब जगह ब्लैक आता है। और यहाँ पे ना एंडेवर की बैजिंग आती है, अब पहले यहाँ पे इंजन की बैजिंग आया करती थी जब 3.2 और 2.2 इंजन था, पर अब इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, अब सिर्फ 2.0 लीटर का इंजन आता है। मैं आपको दिखाऊंगा अभी। और यहाँ पे ना क्रोम हैंडल्स मिल जाते हैं, ये रिक्वेस्ट सेंसर है पैसिव एंट्री के लिए, यहाँ पे भी मिलता है और ड्राइवर साइड भी मिलता है। तो अभी अंदर चलेंगे तो बात करेंगे उसकी भी। और ये टायर साइज़ की बात करें ना, तो टायर साइज़ है इसमें 265/60R18 18 इंच के अलॉय व्हील्स जाते हैं, डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। और जो स्पोर्ट्स वेरिएंट है इसका उसमें पूरे ब्लैक अलॉय व्हील्स आते हैं, और उनका डिज़ाइन भी अलग होता है इससे। और आगे पीछे दोनों, मतलब चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं इसमें। और फ्यूल लिड यहाँ से ऐसे प्रेस करेंगे तो ओपन हो जाती है, यहाँ पे वो एड ब्लू का डालने के लिए डीजल के लिए। और रियर लुक से देखो आप, रियर लुक से भी काफ़ी बढ़िया लग रही है। और बीच में ये क्रोम स्ट्रिप में बड़ा बड़ा एंडेवर लिख रखा है, यहाँ पे फोर्ड का लोगो मिल जाता है। ये डिफोगर है, ये वाइपर है, ऊपर स्टॉप लैंप मिल जाता है। सार्फिन एंटीना नहीं मिलता इसमें, सिंपल एंटीना मिलता है। और बड़ी सी पैनारोमिक सनरूफ है इसमें, अभी अंदर से दिखाऊंगा। और ये LED लाइट्स हैं, मैं इतनी जलती है ये वाली ग्लो नहीं करती, ये इतनी जलती है। यहीं पे ब्रेक लाइट और यही LED जलती है, यहाँ पे इंडिकेटर है, और ये रिवर्स करते तो वो लाइट जलती है। यहाँ पे टाइटेनियम टॉप मॉडल की बैजिंग दे रखी है, और ये ऑल फोर व्हील ड्राइव है तो उसकी बैजिंग। और बूट पहले यहाँ से खोल के दिखाता हूँ, वन टच करोगे ना तो ऑटोमेटिक ओपन। और यहाँ पे एक कैमरा मिल जाता है, जब ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है और इस बटन को दबाएंगे तो क्लोज हो जाएगी। तो अब ये देख सकते हो बूट स्पेस इसमें इतना ही मिलता है अभी। तो अगर सारी सीट्स अप है तो यहाँ पे 12 का पोर्ट मिलता है, ये देखो यहाँ पे थोड़ा कुछ रख सकते हैं आप। और इसके ये सीट्स ऑटोमेटिकली हम फोल्ड कर सकते हैं, मतलब बटन से फोल्ड कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल फोल्डेबल सीट्स है। देखो अब ये फोल्ड हो जाएगी, ये दबाऊंगा तो ये वाली फोल्ड हो जाएगी। और ये फोल्ड करने के बाद आप देखो बूट स्पेस कितना बन जाता है, मतलब कितना सामान रख लो इसके बाद। तो यहाँ पे ये कुछ हुक मिल जाता है, इस साइड मिल जाता है, यहाँ पे कप होल्डर है इस साइड भी, और यहाँ पे लाइट मिल जाती है। और इसी से हम इसको वापस फोल्ड कर अनफोल्ड कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। देखो आ रही है ना ऊपर, अब तो देखो आप इसको क्लोज और करते हैं यहाँ से, एक बार वन टाइम प्रेस करोगे तो आप क्लोज भी हो जाएगी। एक और बढ़िया फीचर है, अगर आपके पास की है और आपके दोनों हाथ यूज में, मतलब दोनों हाथ से आपने कुछ पकड़ रखा, लगेज पकड़ रखा और आपको बूट ओपन करना है, तो आप नीचे पैर शेक करके ना बूट ओपन कर सकते हो। मैं दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुको कर। हाँ ये देखो बूट ओपन हो गया, मतलब पैर शेक करोगे ना नीचे तो बूट ओपन हो जाएगा। तो काफ़ी बढ़िया फीचर है और यूजफुल फीचर है काफ़ी, यहाँ से ऐसे क्लोज कर सकते हो। तो भाई अब ड्राइवर साइड चलते हैं और इंटीरियर दिखाता हूँ आपको। पहले ना यहाँ पे भी पैसिव रिक्वेस्ट सेंसर मिल जाता है पैसिव एंट्री के लिए, भाई काफ़ी यूज हो रहा है इसके, पूरा बेज इंटीरियर मिलता है इसमें।
यहाँ पे कुछ पियानो ब्लैक सी फिनिश है, और ये लोक अनलोक के लिए, और ये ना कुछ अलग ही गन मेटल सी फिनिश है, काफ़ी बढ़िया लग रही है ये। ये पूरा बेज कलर में, बेज इंटीरियर है पूरा इसका, यहाँ पे लेदर का यूज़ कर रखा है, और ये सॉफ्ट टच है, ये भी सॉफ्ट टच, यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं है, यहाँ पे तो ये पूरा हार्ड प्लास्टिक है। यहाँ पे पावर विंडोज़ के कंट्रोल मिलते हैं, और ये है लोग वो जो लोग कर सकते हैं, मैं ऊपर नीचे नहीं होते। यहाँ पे भी ट्विटर मिल जाता है, ट्विटर है, स्पीकर है, थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे स्पीकर मिलता है, और यहाँ पे इसका प्लेट, और ये है ड्राइवर साइड सीट, ये पूरा लेदर अपोल्स्ट्री में, बीज बेज कलर में लेदर अपोल्स्ट्री, और ये पावर एडजस्टेबल मिल जाती है। और अंदर बैठना ना मतलब थोड़ा है, बहुत ही ऊँची गाड़ी है, पूरा बोनर दिखता है आपका स्टेज बैठ के। और इंटीरियर्स देखो आपके फॉर्चूनर से ना, सही बताऊँ तो काफ़ी प्रीमियम है फॉर्चूनर से तो इसके इंटीरियर्स, मतलब ये स्टिचिंग देख रहे हो पूरा सॉफ्ट टच है ऊपर का, मतलब लेदर का यूज़ किया गया है यहाँ पे, फॉर्चूनर में लेदर का यूज़ नहीं कर रखा है यहाँ पे ना। और ये भी काफ़ी बढ़िया फिनिश है, वही है जो ये फिनिश है जो यहाँ पे यूज़ कर रखी है ना पियानो फिनिश, वो यहाँ पे है। और ये टच स्क्रीन मिल जाती है, और इसका ऐसा मिलता है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसका स्टार्ट स्टॉप बटन मिल जाता है। और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ना तो काफ़ी बढ़िया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका, बीच में स्पीडोमीटर और दोनों साइड स्क्रीन्स हैं, तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है ये, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन शो करती है। इस साइड आप आरपीएम भी कर सकते हो कस्टमर यहाँ से चेंज करके, ये इसके कंट्रोल्स हैं। स्टेयरिंग व्हील की बात कर लेते हैं, यहाँ पे पूरा लेदर ऑफ स्टेयरिंग व्हील मिल जाता है, यहाँ पे वही पियानो फिनिश है, और यहाँ पे ना पूरे कंट्रोल्स ही कंट्रोल्स हैं, ये वाले कंट्रोल्स स्क्रीन के और ये वाले स्क्रीन के, और ये है वॉइस कमांड वॉल्यूम अप डाउन के लिए, और ये इस साइड मिल जाता है इसमें क्रूज कंट्रोल, यहाँ पे लाइट्स के कंट्रोल है, और इस साइड वाइपर्स के कंट्रोल, लाइट ऑन ऑफ करने के लिए यहाँ पे दे रखे हैं पूरा इसके लाइट्स का प्रॉपर कंट्रोल ना, और यहाँ पे इसके ओआरवीएम के कंट्रोल यहाँ पे दे रखे हैं रे। तो भाई काफ़ी फीचर लोडेड कार है, और काफ़ी प्रीमियम भी है ये, ऑटोमेटिक डिमिंग आईआरवीएम है, और ये इसकी है टच स्क्रीन, और यहाँ से आप एसी कंट्रोल कर सकते हो, और इसमें डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल एसी मिल जाता है, यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। नेविगेशन, फ़ोन, ऑडियो, मतलब काफ़ी फीचर लोडेड है ये भी, और काफ़ी स्मूथ है, टच रिस्पॉन्स भी बढ़िया है इसका। और ये है इसका 10 स्पीड का गेयर बॉक्स, ऑटोमेटिक गेयर बॉक्स। तो भाई ये है इसका कुछ कंट्रोल्स, यहाँ पे पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए, डिफरेंशियल लॉक के लिए, और ये 4x4 लो लगाने के लिए, और ये है भाई पार्किंग असिस्ट कंट्रोल। तो इसमें काफ़ी अभी काफ़ी बढ़िया फीचर है, मतलब हाई एंड गाड़ियों में आता है। और ये है इसके ऑफ रोड मोड्स, तो आप इसको ऐसे 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 स्लाइड करोगे तो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे दो बोटल मिल जाते हैं, मैनुअल हैंड ब्रेक है, और आर्म रेस्ट भी काफ़ी डीप है इसमें, ये देखो काफ़ी स्पेस है, और वही लेदर यूज़ किया रखा है यहाँ पे भी, और ये लंबर सपोर्ट के लिए यहाँ पे दे रखे सीट में, वह सीट्स भी काफ़ी कंफर्टेबल है, और काफ़ी बड़ी गाड़ी लगती है। यहाँ पे भी स्पीकर दे रखा है भाई, प्रीमियमनेस में तो काफ़ी बढ़िया है गाड़ी। यहाँ पे सनग्लास होल्डर मिल जाते हैं, और अभी आपको ना मैं सनरूफ खोल के दिखाता हूँ, एक मिनट, ये ब्लाइंड ओपन हो गया, सनरूफ और ओपन करता हूँ। हाँ ये देखो, ये ब्लाइंड पीछे तक जाता है भाई, ये हो गया देखो पीछे पूरा, तो पूरी पैनारोमिक सनरूफ मिलती है, और पीछे वाले को भी काफ़ी एयरी फीलिंग आती है इससे। और यहाँ पे इसके एसी वेंट मिल जाते हैं, चलो पीछे चल के बात करते हैं इसकी। तो पीछे वाले डोर्स में भी वो यहाँ पे लेदर फिनिश मिल जाती है, और ये है इसके पावर विंडोज के कंट्रोल, और यहाँ पे ट्विटर मिलता है, और यहाँ पे भी लॉक अनलॉक के बटन मिल जाते हैं, ये भी वही गन मेटल फिनिश में है, वही पूरा बेज इंटीरियर्स है, इंटीरियर्स तो काफ़ी प्रीमियम इसके। फॉर्च्यूनर में वो ब्राउन लेदर और ब्लैक का ऑप्शन मिलता है, इसमें एक ही ऑप्शन है सिर्फ बेज का। और ये वाली सीट्स भी हम ऐसे ही इसको करेंगे ना तो पीछे जा सकते हैं, यहाँ से ऐसे फोल्ड हो जाएगी, एक मिनट रुको, यहाँ से पीछे जाता हूँ, एक मिनट, पीछे तो मतलब थोड़ा स्पेस कम ही है सीट ऊपर करिए, ये देखो मतलब नी रूम तो ठीक है, मेरी 5'7" हाइट है, और नी रूम थोड़ा ही है, और थाई सपोर्ट तो बिल्कुल नहीं है, मतलब बच्चों के लिए ये भी एडल्ट अनकम्फर्टेबल रहेंगे बहुत। यहाँ पे छोटी सी रीडिंग लाइट मिल जाती है, और यहाँ पे भी एसी वेंट मिलते हैं पीछे वालों के लिए। अब इसको ऐसे करके आगे जा सकते हो, देखो ऐसे स्लाइड हो गया। मिडल रो की बात करें तो मिडल रो में तो काफ़ी स्पेस है, और कंफर्टेबल सीट्स है काफ़ी इसमें। और यहाँ पे ना पहले आता था एसी का, आप पीछे वाले टेम्परेचर खुद सेट कर सकते थे, पर इन्होंने जब फेस लिफ्ट की तो ये वाला फीचर हटा दिया, यहाँ से आप सिर्फ फैन स्पीड कंट्रोल कर सकते हो, पहले टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते थे। पीछे काफ़ी बढ़िया स्पेस है, यहाँ पे एसी वेंट दे रखे, यहाँ पे भी रीडिंग लाइट है भाई, पीछे से लुक्स देखो इसके।
और पैनारोमिक सनरूफ खुली रहती है ना, तो काफ़ी एयरी सी फीलिंग आ जाती है इसमें। ये देखो हम आपकी इंजन और दिखाते हैं। इंजन की बात करें तो इसमें अब 2.0 लीटर का इंजन मिलता है, पहले इसमें 3.2 और 2.2 दोनों ऑप्शंस मिल जाते थे। मैं इसको ओपन करता हूँ एक मिनट। तो भाई अब हुड खुल गया और यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टड्स मिल जाते हैं, काफ़ी बढ़िया है। नहीं तो काफ़ी भाई हैवी बोनट है, उठेगा नहीं बिना हाइड्रोलिक स्टड्स के। तो भाई ये है अब 2.0 का डीजल इंजन, 2.0 लीटर डीजल इंजन, और ये प्रोड्यूस करता है 168 bhp और 420 nm का टॉर्क। तो पहले 3.2 इंजन आता था ना, वो काफ़ी पावरफुल इंजन था, उसके वो प्रोड्यूस करता था 197 bhp और 470 nm का टॉर्क, पर वो माइलेज नहीं देता था भाई। तो माइलेज इंप्रूव करने के लिए ना उन्होंने ये डिसकंटिन्यू कर दिया, वो 3.2 वाला डिसकंटिन्यू कर दिया और ये 2.0 लीटर का देने लगे। तो इसकी थोड़ी सी उससे बढ़िया बेटर माइलेज है भाई, काफ़ी हैवी हुड है इसका फील करने में ना। ये बंद करता हूँ। तो भाई ऐसी थी फोर्ड एंडेवर भाई, काफ़ी प्रीमियम है सही बताऊँ ना फॉर्च्यूनर से तो, और इसकी राइड क्वालिटी भी फॉर्च्यूनर से बढ़िया है और फीचर्स तो करती है उससे बढ़िया ऑफर। एक MG ग्लोस्टर है जो जिसमें इससे ज़्यादा फीचर्स आते हैं, और आप देख सकते हो भाई काफ़ी मस्कुलर गाड़ी है। और इसकी प्राइस रेंज की बात करें तो अभी तीन वेरियंट्स आते हैं इसमें, एक तो टाइटेनियम 4x2, ये टाइटेनियम 4x4, और एक आता है स्पोर्ट्स वेरिएंट जो मतलब टो वेरिएंट पे बेस होता है, पर उसमें बाहर से कॉस्मेटिक चेंजेस होते हैं, बस ब्लैक एलिमेंट्स होते हैं और ब्लैक और वाइट कलर में आती है सिर्फ, इनमें तो काफ़ी कलर ऑप्शंस हैं। तो भाई प्राइस रेंज की बात करें ना तो ये इसकी प्राइस बताऊं तो ये 40.88 लाख रुपीज़, और जो स्पोर्ट्स वेरियंट आता है 41.34 लाख रुपीज़ है अप्रोक्स, ऐसी कुछ है गुड़गांव के प्राइस बता रहा हूँ ऑन रोड। तो भाई गाड़ी कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।